हेलो एवरीवन, सिलाई फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटली बटन से बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। ये मैंने पोटली बटन बना के रखे हैं, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके लिए ये मैंने बुकरम ले रखी है। जो मैंने ये बुकरम ली है इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और हमने इसकी लंबाई ली है 15 इंच। तो हम इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए पहले इसको हम लंबा डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम इसकी चौड़ाई पे, तो 3 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। अब लेंगे इसकी गहराई, तो गहराई पे पहले मैं लगाऊंगी 6 इंच पर निशान। यहाँ पर भी एक 3 इंच की लाइन खींचूंगी और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे, जिससे हमारा एक बॉक्स तैयार होगा। अब इसमें हम शेप देंगे। अब निशान लगाएंगे हम इसके नीचे एक और 8 इंच पर। अब लगाएंगे हम एक आधा आधा इंच पे एक और निशान। इसकी चौड़ाई ले रखी है हमने 1/2 इंच। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। अब इस पे करेंगे हम एक और ड्रॉ, एक और लाइन जो हमारी 1/2 इंच पर होगी। हमारे ये नेक के जो सारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग के लिए सबसे पहला ही जो हमारी जो बीच की गोलाई है, पहले मैं उसकी कटिंग करूँगी। अब जो हमारे दूसरा निशान है इस पे मुझे कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं इसे कपड़े पे अटैच करूंगी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब मैं इसके ऊपर इसको अटैच करूंगी। क्योंकि ये हमारी बुकरम पेस्टी की नहीं है, तो इसको मैं एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। अब इसके जो बीच का सेंटर है, मैं इस पे वहां पर भी एक कच्ची सिलाई करूंगी। अब हम इसका एक्स्ट्रा वाला कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं इस पे फोल्ड कर दूंगी और पूरे पे एक सिलाई लगानी है।
ये मेरे कुर्ते का फ्रंट पार्ट है। अब मैं इसको इसमें अटैच करूँगी, तो ये मैंने सेंटर पे एक निशान लगा रखा है और वही निशान मैं इस सेंटर पे लगाऊंगी। और अब हम इस निशान को इस निशान के ऊपर रखना है और बीच में एक कच्ची सिलाई लगानी है। इस पे हम पूरा एक लाइन कच्ची सिलाई करेंगे। बस ध्यान रहे कि ये हमारा जो है सेंटर में रहे। अब हम करेंगे पक्की सिलाई जो हमारे इस किनारे पे हमें पूरी करनी है। अब जो हमारे नेक का सेंटर आएगा तो हमें उसे थोड़ी दूर पर एक पैर की सिलाई पे इसे रोक देना है। जो हमारी सिलाई है वो एक पैर की रहेगी इसके ऊपर और हमें पूरी सिलाई यहाँ तक करनी है। वही सिलाई को हमें फिर पूरा वापस लेना है। इधर भी हमने एक पैर की सिलाई ली है, इधर भी हम एक पैर की सिलाई लेंगे। ये हमारा पूरा गला इस पे अटैच हो चुका है। अब मुझे कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए पहले हम निकालेंगे बीच का सारा कपड़ा और सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा हमें छोड़ना है और बाकी का हम पूरा निकाल देंगे। देखिए इस तरह। और अब जो हमारे सेंटर का निशान था बीच वाला, हमें वहां से कटिंग करनी है। एक पॉइंट पे आके एक कट हम इधर लगाएंगे और एक कट हम इधर लगाएंगे। देखिए इस तरह ये हमारी कटिंग हुई है। अब हम नेक की गोलाई पे करेंगे छोटे छोटे कट, जिससे हमारा गला इजीली सीधा हो जाएगा। अब मैं इसको सीधा करूंगी और इस पे लगानी है मुझे एक कच्ची सिलाई, जिसको हम बाद में निकाल देंगे। तो अभी मैं इस पे लगाऊंगी एक कच्ची सिलाई। ये मैंने पूरे पे कच्ची सिलाई कर चुकी हूँ। अब मुझे करने हैं ये पोटली बटन अटैच, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसे लगाना है। तो पहले मैं इसको हाथ की सुई से इसे कच्चा करूँगी ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे। देखिए इस तरह मुझे पूरे पर लगाने हैं। मैंने ये कच्चा करके ये पूरी पोटली वाले बटन अटैच कर दिए हैं। अब मैंने ले रखी है ये एक पट्टी, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच, जिसकी मेरी लंबाई है इसकी 9 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। अब हम इसकी गोलाई पे लगाएंगे एक एक पैर की सिलाई। जब हम अपने नेक के इस एरिया पे आएंगे, तो जो हमने ये पट्टी ले रखी है, अब हमें इसको अटैच करना है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको लंबाई में हम डबल फोल्ड कर देंगे। ऐसे इस तरह हम पूरी पट्टी को डबल फोल्ड कर देंगे और ये पट्टी हमें इसके बीच में लगानी है इस तरह से। देखिए इस तरह से मुझे ये पट्टी लगानी है।
और इस तरह मुझे इस पे पूरे पे सिलाई कर देनी है। देखिए इस तरह ये मैंने पूरी पट्टी इस पे लगा दी है। अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे, वही एक पैर का मार्जिन देंगे। अब हम जब यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें इसके ऊपर इसको रखना है, देखिए इस तरह, और सिलाई लगा देनी है। अब मुझे ऐसे हम अपने पोटली बटन को एक साइड करते हुए इस पर एक लंबी सिलाई लगाएंगे, जिससे ये पूरी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा ये गला कंप्लीट हो जाएगा। हम पोटली बटन को ऐसे उठाते जाएंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लगाऊंगी इस पर डबल सिलाई, क्योंकि हमारे जो कुर्ते होते हैं उन पे डबल सिलाई ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ये हमारा फाइनल लुक है और देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बनने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।